सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. और फाइनली मैं वेडिंग व्लॉग डाल रही हूँ. सो होप आप लोगों को अच्छा लगे एंड आप इन्जॉय करें ये व्लॉग. सो गाइज, यहाँ पे दुल्हन की डोली रखने के लिए एक तरीके से खुद से हाथ से कुछ बना रहे थे. एंड ये बहुत ही वहाँ का मतलब ट्रेडिशनल चीज़ है. देन वी वेंट फॉर द ब्रेकफास्ट. सो लाइक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड दिस इज द डे ऑफ वेडिंग. हलवा, आलू का गुटका, दिस इज छोला एंड पूरी. सबकी प्लेट में आपको यही दिखेगा, आलू छोला हलवा एंड पूरी. कोई सेंसेस बात? एंड इन माय प्लेट टू. और ये फूड का सेटअप है एंड एवरीवन इज टेकिंग द सेम फूड फ्रॉम हियर. It's good. Cow, cow. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वो आर्ट वर्क दिखाया था वो फाइनली बन के रेडी हो गया था. और इवनिंग में यहीं पे डोली उतरेगी और यहीं पे डोली रखी जाएगी इसके ऊपर. सो रेडी एंड वी आर रेडी टू गो फॉर अ बारात. एंड बहुत दूर था, काफ़ी मज़ा भी आया बट आई गॉट सो टायर्ड. तो हम लोग लाइक बीच में ही जस्ट गए एंड यू नो वी हैड अ मील एंड हम वापस आ गए थे. बट यू नो दैट वॉज द गुड प्लेस. और आप इन्जॉय करिए आगे की सारी क्लिप्स. सो वी रीच टू द प्लेस एंड यहाँ पे कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह लगाए गए थे बारातियों के लिए. सो एवरी वन वॉज हैविंग दैट रिफ्रेशमेंट्स बट आई डिड नॉट हैड इट बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस हो रहा था. एंड उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ चलने लगे. एंड वन एडवाइस फ्रॉम माई साइड गाइस कि अगर आप कभी भी गाँव की शादी में जाएँ या फिर कभी भी यू नो बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ वाली शादियों में जाएँ तो प्लीज़ डू नॉट वेयर यू नो लाइक हील्स तो बिल्कुल भी मत पहनना. एंड डू नॉट वेयर यू नो लाइक अनकम्फर्टेबल क्लोथ्स बिकॉज आपकी बैंड बच जाएगी जैसे मेरी बच गई थी. एंड जेन्युइनली आधा तो मुझे उन कपड़ों ने एंड वो हील्स ने थका दिया था. आई वॉज सो एग्जॉस्टेड. एंड प्लीज़ मत पहनिएगा, ये बहुत अच्छी एडवाइस है मेरी तरफ से आप सभी को. लगता बहुत अच्छा है दिखने में बट दैट इज़ सो अनकम्फर्टेबल. मैं तो ये बोलूँगी कि यू नो जस्ट वेयर सम नॉर्मल ट्रेडिशनल क्लोथ्स, दैट्स इट. जाओ इन तब आप पूरी शादी इन्जॉय कर सकते हैं. अगर आपने ये बहुत ज़्यादा यू नो लाइक हैवी क्लोथ्स पहन लिए या फिर हील्स पहन लिए आप बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं कर सकते. सो ये एडवाइस ज़रूर लीजिएगा एंड थैंक मी लेटर.
यहाँ पे एंट्री वगैरह हो गई थी एंड वी वेंट फॉर आर फूड. सो यहाँ पे मतलब फूड काफ़ी ज़्यादा नीचे लगा था एंड हमने खाया एंड देन वी वेंट बैक टू अवर प्लेस. और हम बहुत 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 थक गए थे गाइस, बट मज़ा आया, बहुत न्यू एक्सपीरियंस भी था एंड काफ़ी फन था. सो गाइस, खाना खाने के बाद हम निकल गए थे वापस, और वापस जाते जाते पूरे रास्ता जंगल का था तो हमें ग्रुप ऑफ फॉक्स दिखे. और एक फॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे विंडो साइड था तो मैंने उसे लाइक रिकॉर्ड करा एंड यू नो दिस वाज समथिंग अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. मैंने ऐसे कभी भी लाइक ज़ू के अलावा लाइक वाइल्ड एनिमल्स कभी भी सामने नहीं देखे हैं. सो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने सामने पे देखा. और ये देखिए आप, मतलब फॉक्स भी हमको देख रहा था एंड मुझे लगा कि मे बी वो अटैक कर सकता है, तो आई वॉज लिटिल बिट यू नो लाइक नर्वस टू रिकॉर्ड दैट फॉक्स, बट स्टिल मैंने कर लिया. बट ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर आप उनको नहीं छेड़ोगे तो ऑफकोर्स वो आपको भी नहीं कुछ करेंगे. गाइस, बारात आ गई थी वापस एंड डोली वहीं पे रखी थी जो मॉर्निंग में चौक बना था. एंड ये मैंने बहुत टाइम के बाद ऐसी डोली देखी, क्योंकि अब तो मतलब ये वाला जो डोली वाला सिस्टम है ये सिटीज़ वगैरह में तो ख़त्म ही हो गया है, अब कोई भी नहीं आता है डोली में. बट अभी भी गाँव घरों में ये डोली वाला रिवाज है, विच सीम्स वेरी गुड. और ये है हमारी नई मामी, शी इज़ द ब्राइड. और कहीं ना कहीं शी वॉज यू नो फीलिंग नर्वस, सैड, सब कुछ एकदम मिक्स फीलिंग थी. और मुझे काफ़ी मतलब उनके लिए वो भी लग रहा था कि यू नो एक लड़की को सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है अपने पीछे, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ यू नो क्वाइट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर एवरी गर्ल. Hope you guys like the video, and if you do then please do not forget to like, share and subscribe, and see you in my next video. Bye bye.